हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा टू कलर का बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। फुल बाजू स्वेटर है, टू कलर में मैंने इसको बुना है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बना है। आज इस स्वेटर का पार्ट पाँच रहेगा। पार्ट पाँच में हम इसके सिलाइयों से कंधे जोड़ना आपको बताएंगे, कंधे कैसे जोड़ेंगे और स्वेटर की सिलाई कैसे करेंगे, ये मैं आज इसके पाँच पार्ट में बनाना बताऊँगी। अगर आप इसको बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। आज इस स्वेटर का ये हमारा पार्ट पाँच रहेगा। चार पार्ट मैंने इस स्वेटर के पहले से चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा बैक पार्ट था, सेकंड पार्ट में फ्रंट के दोनों पार्ट में कितने फंदे लें, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करें, बटन होल कैसे बनाए, बटन पट्टी कैसे बनाए, ये मैंने आपको बनाना बताया था। थर्ड पार्ट में हमने इसके फ्रंट पार्ट के मुड्ढे की घटाई और गले की घटाई बताई थी और फोर्थ पार्ट में हमने इसकी बाजू बुनी थी। आज हमारा है इसका पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में हम इसके कंधे जोड़ेंगे। तो कंधे देखिए किस तरह से जोड़ेंगे। जो बैक पार्ट है उसको हमने सीधा रखा हुआ है, सीधी तरफ है ये, नीचे की तरफ उल्टी है तो सीधी तरफ रखेंगे। यहाँ पे ऊपर उल्टी है, ये सीधी से सीधी को मिलाएंगे। तो देखिए अंदर की तरफ दोनों पार्ट सीधे हैं यहाँ पर और बाहर दोनों उल्टे हैं। ऐसा करने के बाद फिर एक गले की सिलाई लेंगे जो डबल पॉइंटेड है, ये दोनों तरफ से प्लेन है, ये सिलाई लेंगे। और देखिए 15 फंदे हमारे ये यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 15 फंदे फ्रंट में हैं तो 15 फंदे बैक से लेंगे। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सिलाई से कंधे जोड़ने का बहुत ही आसान प्रोसेस है। एक फंदा बैक से लेंगे, एक फंदा फ्रंट से लेंगे, फिर से एक बैक से, फिर से एक फ्रंट से, फिर से एक बैक से, फ्रंट से, फिर से बैक से, फिर से फ्रंट से, एक फंदा बैक वाला ले लेंगे और एक फंदा फ्रंट वाला, एक फंदा बैक वाला, एक फंदा फ्रंट वाला। इसी तरह से ये फंदे इस नीडल पे बना लेंगे। जितने फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के हैं उतने ही फंदे हम पीछे से लेते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये। इस तरह से इसको बिगनर्स भी सिलाइयों से बाइंड ऑफ कर लेंगे। इस तरह से करेंगे। अब देखिए इस सिलाई पे हमारे फंदे आ गए हैं। अब इसको इस तरह से करेंगे और इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये दो धागे हैं इस तरह से, तो एक धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे और इसकी नोट लगा लेंगे। तो ये यहाँ पे एक धागे को कट किया है और नोट लगा ली है। अब देखिए दो फंदे लेंगे यहाँ से और दो का एक बनाएंगे इस तरह से। दो फंदे लेंगे, दो का एक बनाएंगे। अब देखिए जो ये एक फंदा है इसको इस नीडल पे लेंगे और आगे से दो फंदे ले लेंगे इस पे डाल के, और अब यहाँ पे तीन फंदों का एक बनाएंगे। तो एक फंदा ये आ जाएगा सिलाई पे, दो फंदे आगे से लेंगे, एक फंदा बैक का रहेगा, एक फ्रंट का इस पे डालेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बुन लेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और दो फंदे आगे से लेके और तीन का एक बनाएंगे, फिर एक इस पे डालेंगे, फिर आगे से दो फंदे लेके और तीन फंदों का एक फंदा बुन लेंगे। अब देखिए आगे से फिर से ये दो फंदे लेंगे, दो आगे से एक नीडल पे है, तीन फंदे में सिलाई डालेंगे ऐसे और तीन का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और तीन का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और तीन का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और तीन का एक बनाएंगे। एक फंदा ये है, दो आगे नीडल से लेंगे, एक फंदा बैक का, एक फंदा फ्रंट वाले का,
तीन का एक, फिर वापस इसी पे लेंगे और तीन का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से दो फंदे लेके तीन का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और तीन का एक करेंगे, फिर से वापस इसी पे लेंगे, आगे से दो फंदे लेके तीन का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और तीन का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे लास्ट में एक फंदा है तो इन दो फंदों का एक फंदा बुन लेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब आगे देखिए, इसी पे लेके ऐसे और आगे के फंदे भी बाइंड ऑफ करते जाएंगे इस तरह से। लास्ट के 15 फंदे जो बचेंगे, यहाँ तक 15 फंदे रखेंगे, बीच के फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे, दो का एक करेंगे, वापस इसी पे लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे, वापस इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे। ऐसे ही करते हुए बीच वाले फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। ये लास्ट के यहाँ पे 15 फंदे रखेंगे। तो देखिए, ये कंधे जोड़ने के बाद जो सेंटर के फंदे थे इनको हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। अब आगे हैं ये फंदे, 15 फंदे बचे हैं। अब ये फ्रंट वाला पार्ट लेंगे यहाँ से और इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे, एक फंदा बैक से लेंगे, एक फंदा फ्रंट से, फिर से गले वाली सिलाई लेंगे और इसके अंदर इसको डालेंगे, ऐसे डालेंगे, एक इसके अंदर से लेंगे, एक बैक से, फ्रंट से, फिर बैक वाले से, फिर से फ्रंट का, फिर से बैक का, फिर से फ्रंट का, ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को इस नीडल पे डाल लेंगे। तो ये इस गले वाली सिलाई पे डाल ली है। अब इसको ऐसे पीछे की तरफ करेंगे और फिर से इनको बाइंड ऑफ करेंगे। अब देखिए, एक फंदा ये आगे है जो हम बाइंड करते हुए आए, आगे से दो फंदे लेंगे और दो का एक करेंगे, ऐसे दो का एक। अब ये फंदा है, दो फंदे हम आगे से लेंगे, ऐसे सिलाई पे डाल लेंगे और दो फंदों में सिलाई डाल के टोटल तीन फंदे हो गए, तीन का एक करेंगे। अब इसको फिर वापस इसी पे डालेंगे और दो फंदे आगे से लेके, देखिए एक दो तीन, तीन फंदों में डालेंगे, तीन का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी में डालेंगे, दो फंदे आगे से लेके तीन का एक करेंगे, फिर से डालेंगे, दो फंदे आगे से लेंगे, देखिए एक दो और ये तीन, तीन का एक, फिर वापस इसी पे डाल लेंगे, आगे से फिर से देखिए एक दो तीन, तीन का एक बनाएंगे, एक फंदा ये सिलाई पे है, दो फंदे आगे से लेंगे, तीन फंदों में सिलाई डाल के तीन का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, तीन का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, तीन का एक बनाएंगे, फिर से तीन का एक बनाएंगे, वापस इसी पे लेंगे, तीन का एक बनाएंगे, इस तरह से। अब देखिए, इस धागे को यहाँ से हम कट कर लेंगे और इस फंदे के अंदर से इसको निकालेंगे, ऐसे नोट लगाएंगे और जो ये फंदा यहाँ पे है इसकी धागे की ऐसे नोट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए, अब इसके कंधे ज्वाइंट देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हुए हैं इसके, देखिए पता भी नहीं चलेगा कहाँ से इसके फंदे ज्वाइंट हुए हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हुए हैं।
तो ये हमने इसके फन ये जो है कंधे जोड़े हैं सिलाइयों से। अब हम बनाएंगे इसकी आगे गले की वीडियो। तो आज पार्ट इसका पांच है। ये पांच पार्ट में मैंने आपको इसके कंधे जोड़ना बताया है कि कंधे सिलाइयों से किस तरह से जोड़ें। बहुत ही आसान स्टेप में है ये, बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाएंगे। अब हम इसकी देखिए कंधे हमारे इसके सिल गए हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे स्वेटर की। तो देखिए ये फ्रंट है, ये बैक है, इस तरह से इसको ऐसे करेंगे। ऐसे करके इसकी यहाँ से डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ और छोटे छोटे टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे नोट लगा के इसको पक्का कर लेंगे इस तरह से। जहाँ पर ये धागा निकला है इसके बैक से सुई डाल लेंगे ऐसे। फिर यहीं से डाल लेंगे ऐसे ही इसकी सिलाई डिजाइन के अंदर डिजाइन को ऐसे मिलाते हुए यहाँ तक हम इसकी सिलाई ये कर लेंगे। ये सिलाई करेंगे फिर इस पार्ट की करेंगे। इसको ऐसे करके दोनों तरफ से इसकी सिलाई यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई दोनों साइड से कीजिए। और फिर दोनों जो बाजू हैं इन बाजू को ऐसे उल्टा फोल्ड करके यहाँ से सिलते हुए आइए और यहाँ तक इसकी सिलाई जहाँ से घटाई शुरू की है यहाँ तक दोनों बाजू इसकी साइड से सिलेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं दिखाती हूँ इसके बटन लगा के इसकी कैसी लुक आएगी। तो देखिए स्वेटर की मैंने ये साइड से सिलाई कर ली है। साइड से करके फिर मैंने इसकी बाजू की सिलाई की है और फिर इसके यहाँ बाजू को अटैच किया है और इसके मैंने ये बटन लगाए हैं। पांच इसमें बटन लगे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 पांच बटन लगे हैं। अब देखिए ये दूसरी बाजू है, इसको मैंने यहाँ से सिल लिया है उल्टा करके। उल्टी तरफ से इसकी मैंने सिलाई की है, अंदर की तरफ से सिलाई करके ऐसे। बाजू को तो हम सीधा रखेंगे और स्वेटर को हम उल्टा करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको उल्टा कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे इसको, उल्टा कर लिया स्वेटर, बाजू सीधी है। बाजू को इस स्वेटर के अंदर डाल लेंगे यहाँ बाजू की जगह पे, ऐसे डाल के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बाजू हमारी यहाँ से सीधी है तो स्वेटर भी अंदर की तरफ से सीधा है। जो ये सिलाई है साइड वाली स्वेटर की और ये बाजू की है, इस सिलाई को यहाँ से यहाँ बिल्कुल बराबर मिला लेंगे इस तरह से। परफेक्ट बन के आई है कति, एकदम ये कतई बराबर है इस तरह से। अब देखिए ये ज्वाइंट है स्वेटर का और ये अंदर की तरफ है बाजू का, इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहीं से ही हम सिलाई करनी शुरू करेंगे। बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे टांके लगाते हुए फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई हम करेंगे। देखिए इसी तरह से इसकी राउंड में सिलाई करते जाएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे करते हुए वापस इसी जगह पे आ जाएंगे राउंड में सिलते हुए। तो इसकी सिलाई कर लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए बाजू की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, दोनों बाजू हमारी सिल के रेडी हो गई है। स्वेटर की पूरे की सिलाई हमने कर ली है। तो देखिए पांच पार्ट था, ये पाँचवा पार्ट था इस स्वेटर का। इसमें हमने आपको कंधे जोड़ना सिखाया है सिलाइयों से। सिलाइयों से देखिए इसके इस तरह से कंधे कैसे जोड़े और इसकी सिलाई बताई है और इसकी सिलाई करके फाइनल लुक मैंने आपको इसका दिखा दिया है। इस तरह से ये बन के आया है। अब इसका
पांच पार्ट ये हमारा कंप्लीट हुआ। छठे पार्ट में हम इसके गले की और ये कैप वाला डिजाइन को इसके अंदर अच्छा सा डिजाइन बनाएंगे। तो पांच पार्ट कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें, और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।